कैसे हैं आप? यहाँ पर सुबह उठ गए लोग और बिस्तर रख रहे हैं। अब तो चादर ओढ़ने का टाइम आ गया। रात को हाँ ठंडा देखो, होता है। बहुत ठंडा था रात को ना। कल रात से ही बारिश हो रही है, हल्की हाँ हल्की। ये वो ठंड देख, लग रही थी और पंखा भी तुम कर दिया तब भी ठंड लग रही थी। और देखो धीरे धीरे लगता है, अब ऐसा लग रहा है कि चादरें कंबल खोलने के दिन आ गए। हाँ, मौसम भी एकदम से बदलता है। हाँ और देखिए बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह। ये देखो बादल पूरे मतलब लगे हुए हैं, ऐसा लगता पानी बरसता ही रहेगा दिन भर। ये कपड़े कुछ पतले पतले हैं दोस्तों। सारे काम हो गए, घर के छोटे मोटे सारे काम हो गए हैं। कुछ अभी लंच की कुछ तैयारी करनी है, वो तो आके होगी। वो तो वही है, डेली के काम है, ये तो चलते रहते हैं। बहती हुई नदी की तरह रहो, बहते रहो बहते रहो। रास्ते में कंकड़ पत्थर सब आते हैं, पर नदी अपना बहना नहीं छोड़ती। और मेहनत करते रहो, कभी ना कभी तो मेहनत का फल मिलेगा ही मिलेगा। हम भी ये सोच के ब्लॉग बनाए जा रहे हैं। हाँ कभी तो कभी ना कभी तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, कभी तो हमें ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे, हमें व्यूज़ बढ़ेंगे। तो कोशिश करते रहते हैं, मौसम। चेंज करते रहते हैं। और हो सकता है जब मौसम तो देखो कितना अच्छा हो रखा है, मौसम हो रखा है बहुत अच्छा, गीला गीला मौसम है, सड़कें गीली गीली हैं, जैसे कि हम चाहते हैं। पर अभी अभी अंदर से इतनी खुशी इसलिए नहीं मिल रही कि अभी जैसे कि हमारे 100 से ज़्यादा के ब्लॉग तो हो गए हैं, 100 से ऊपर हो गए हैं। पर हमारे कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सबको ऐसा दिखाएं जो आप लोगों को अच्छा लगे, अपनी डे टू डे की लाइफ दिखाएं। पर अभी हमारे सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे, हमें लाइक्स भी नहीं मिल रहे। थोड़ा सा लाइक्स मिलते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो आपको थोड़ा सा हौसला अफजाई हो जाती है, आप कुछ और नया करने की सोचते हो। पर फिर भी हम नया करेंगे, कोशिश करते रहेंगे, कभी ना कभी तो हमें इसका फल मिलेगा ही मिलेगा। सूरज कैसे सर पे चढ़ गया है, इतनी तेज धूप हो गई दोस्तों कि मौसम पल पल बदल रहा है ना। और कभी धूप कभी छाँव, हमारे जीवन में भी ऐसी होता है। दुख आते हैं सुख आते हैं, और दुख हमें हमेशा लंबे लगते हैं कि कभी ख़त्म नहीं होंगे, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। दुख भी ख़त्म हो जाते हैं, जैसे रात ख़त्म होती है वैसे दुख भी ख़त्म होते हैं। और जब सूरज उगता है तो हम नई उमंग के साथ उठते हैं और आगे बढ़ते हैं, और हमें ऐसा ही करना चाहिए। हर मोड़ पर हर जगह हमें स्ट्रांग बने रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं अपने नए ब्लॉग की। हाँ तो देखिए ये बच्चा अब उठाए मुश्किल से, अब इतने टाइम से इसे उठा रहे हैं कि पेपर आठ है। बजे का अलार्म लगाया था इसने, पर हाँ 8 बजे अनफॉर्चुनेटली बजा नहीं हो। बजा नहीं, 8 बजे का अलार्म लगा के, और मैंने बंद किया उसको फिर अच्छा, अभी। बजा था। नहीं अभी मैं देखा, अभी आया रिमाइंडर आया उसका है। और ये पेपर है इसकी, साइंस का पेपर है, और साइंस का पेपर बहुत लेंदी होता है। तो यहाँ बिस्तरा भी ऐसी फैला हुआ है, वो करना है, अभी सफाई करनी है। सफाई हो गई हमारी, बस और काम करने हैं, अभी ज़रा ढंग से इसको रखना है। और तो ये देखिए ये अलमारी भी सही करनी इसका तो बुरी हालत हो है रखी ना, है। ये देख रहे हैं ना आप अलमारी। इस पे हम सोच रहे हैं कि मैं एक कप सारे कपड़े इधर रख दूँ, यहाँ पर चादरें, इधर कुछ अपने चादरें, और वो अब सर्दी जैसा लग रहा सर्दी आने वाली नहीं, रात को ठंड है जाती ना, है, है ना। रात को हल्की हल्की ठंड होती है। मैं तो अपने कमरे का वो पंखा मैंने चलाया ही नहीं, पहले हाँ मैंने उसे चलाया 2 पे, फिर मुझे 2 पे लेट गई, फिर मुझे 2 पे भी ठंड लगी, फिर मैंने उसे 1 पे कर दिया, उसकी स्पीड और कम कर दिया। हाँ नहीं, फिर 1 पे किया ना, फिर ठंड लग रही थी, फिर फाइनली मैं उसे बंद करके आई। हाँ अब हमें कंबल निकालने के, वो मतलब चद्दर निकालने के तो आ गया टाइम है हाँ, ना, तो चद्दर रखेंगे अब, जो चद्दर निकालने सौंधी क्योंकि सौंधी ठंड आ रही है। हाँ मतलब अभी रात को ठंड है, दिन में तो धूप ही है, दिन इसको में देखने से लग रहा है कि अब त्योहार के भी दिन आ गए। अब नवरात्रे आ जाएंगे, फिर रामलीला शुरू हो जाएगी, फिर दिवाली, फिर करवा चौथ जो आता है, फिर त्यौहार आते रहते हैं। फिर उसके बाद जनवरी में थोड़े ख़त्म होते हैं बस। तो मिलते हैं आपको आगे। ये देखो 1 किलो तो नाश्ता बन गया अभी मैगी का, आज ऐसे ही होगा। हम रहेंगे अपने लिए परोठे, और यहाँ पर ये मैगी बन चुकी है हमारी। 2 मिनट बोलते हैं और 2 मिनट से ही होते, 5 तो मिनट लग ही जाते हैं आराम से आपको खोलते हुए, सब कुछ करते हुए, डालते हुए, इसको उबाल आने तक।
अच्छा है ना। चलो खैर, पर फिर भी मैगी सबसे बेस्ट नाश्ता है। कहीं भी जाओ, उबालो और उसमें मसाला डालो, खा लो। तो बस अब मैं करती हूँ। यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह से है, ये सही लग रहा है ना, पर नीचे अभी मुझे पोछा लगाना है। तो शुरू करते हैं। हाँ, अभी परौठे बनाए जा रहे हैं। ये परौठे पता है किसके बना रही हूँ? हम नहीं खाएंगे? नहीं, अपनी बना रही हूँ मैं। ये तो बड़ी गलत बात है ना। ये है सत्तू, थोड़ा सा ही था सत्तू। अच्छा, ना हाँ, ये सत्तू है। मैंने क्या किया कि किसका क्या यूज करूँ, तो सत्तू थोड़ा सा बचा हुआ था। मैंने उसमें एक बारीक प्याज काट दिया है, नमक मिर्च मिला दिया है और लिटिल सा तेल डाला, थोड़ा सा तेल डाला बाइंड करने के लिए। हाँ, और थोड़ा सा पानी डाला जितनी जरूरत है। तो उसका एक थोड़ा सा वो बना दिया इसको, तो आप मिक्सर मतलब मिक्सर बना दिया ना इसका। हाँ, और इसको इसको किसमें भर रही है? हाँ, दिखाना क्या कर रही है। अच्छा जी, अच्छा जी। फिर मैं इसको ना ऐसे, मैंने इसको जैसे कि आलू भरते हो आप वैसे ही है, वैसे भर के इसके परौठे बना दूंगी। सत्तू के परौठे हेल्दी है, परौठे हाँ हेल्दी है, गर्मी में ठंडा होता है। गर्मी में तो ठंडा होता है और अच्छा भी होता है। ये सत्तू हम लाए थे उसके लिए, बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, तो बिहार साइड में तो सत्तू को नमक मिर्च मिला के उसमें नींबू डाल के और खूब सारी मिर्ची डालते हैं, क्योंकि मैंने ये TLC में देखा था। हाँ, कि वो उसमें खूब सारी मिर्च मिलाते हैं और वो बिहार में ठंडा पानी, सत्तू ठंडा होता है, तो वो ये चने का सत्तू है, ये तो सत्तू पीते हैं। तो पर मैंने इसका दूसरा वर्जन किया कि मैंने इसको इसमें सत्तू खूब सारा मिला के ठंडा पानी डाल के और चीनी मिला के पियो। हाँ, अगर बाहर से आ रहे हो ना दोस्तों, अब इतनी गर्मी बाहर इतना से अच्छा लगता है ना, ये इतना बहुत अच्छा लगता है और आपको इतना फ्रेशनेस देता है ना ये पी के। और इसमें आप चाहे तो गुड़ भी मिला सकते हो चीनी की जगह। हाँ, है ना। एक दूसरा तरीका से लोग ना बहुत ठीक बना के भी खाते। हाँ, जैसे हम मान लो जैसे दही होती है ना। हाँ, दही में आप चीनी मिलाते हो, उसी तरीके से इसमें आप इसको गाढ़ा सा पेस्ट बना के उसमें बर्फ के टुकड़े डाल दो और चीनी डाल दो, अब यकीन मानिए इतना टेस्टी लगता है ना, और आपका पेट भी भर जाता है ठंडे होने के साथ। हाँ, ये आपका पेट भी भर देता है। तो आप सत्तू के परौठे बना लो। हाँ, जैसे प्रॉपर आटे की तरह गूंथ लो और आटे के लोई के अंदर इसकी स्टफिंग एक और भरो, है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो आप ये जरूर आजमाना और हमें बताना कि आपको कैसा लगा ये। तो बन गया किचन में हमारा चावल, चावल बन गया दोस्तों हमारा। तो वो राजमा है वो। हाँ, तो बड़ा खाना खाना लग रहा है। खाना खाना लगे तो चलो हो रहा है खाली नमक और वो डालते हैं। मैंने सामने लस्सी को पानी में भिगा के रखा था, क्योंकि पानी में भिगाने से क्या होता है ये आसानी से छिलका उतर जाता है इसका। वैसे तो मोटे लहसुन है, इनको तो छिलना आसानी से, जो बारीक लहसुन होते हैं ना, जो छोटे छोटे से होते हैं, जो ये जो छोटे वाले लहसुन होते हैं ना, कई बार हम छोटे छोटे लहसुन आते हैं मार्केट में। हाँ, तो उनको तो उसके लिए सबसे आसान है कि उसे पानी में भिगा दो, फिर वो इजीली उनके जो छिलके हैं वो उतर जाते हैं। पर मैंने इनको भी पानी में भिगा दिया। क्या हुआ, फेंकना मत, टमाटर खराब हो गया है, सड़ा हुआ है। मैं सड़े हुए टमाटर फेंकती नहीं हूँ आजकल। मैं चाहती हूँ कि मैं टमाटर उगते हुए देखना चाहती हूँ, और हरी मिर्च का पौधा तो हमारा बढ़ नहीं रहा है। क्या हुआ, ये भी खराब है, वो खराब है, इसे रहने दे साइड में, ये भी खराब है। क्योंकि खराब इसलिए कि तुमने उसके ऊपर एप्पल रख दिया, वो नीचे दब गए। टमाटर सड़ गया है, बट सड़े हुए टमाटर है वो क्या है, टमाटर में ना छोटे छोटे येलो कलर के ना फूल आ रहा है, तो हो सकता है उसमें टमाटर आने की पहले की ये प्रक्रिया हो। एक और टमाटर का पौधा लगा दूंगी, फिर घर के टमाटर ही खाएंगे, मार्केट से तो खरीदना छोड़ देंगे।
ये दोस्तों मैं आज आपको एक गाना सुनाने जा रही हूँ और ये गाना मैंने FM पे सुना था जाते जाते रोड पे, मैं जा रही थी स्कूल जा रही थी लेने के लिए, तो ये गाना सुना मुझे बहुत पसंद आया। एक दो बार मैंने सुना था पर जब मैंने इसे कई बार आप उसको फिर लगता है कि आप उसको बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हो तो लगता है कि गाना तो कितना अच्छा है, और मुझे ऐसा लगा कि गाना जैसे कि ये हमसे ही रिलेट होता है ये गाना, और हम भी बहुत कुछ चीज़ों को लेकर कोशिश कर रहे हैं और वो चीज़ें हो नहीं रही हैं। तो बस मैं आपको सुनाती हूँ गाना, आई होप आपको अच्छा लगेगा। किसे पूछूं ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशां सा, वक्त भी यहाँ है जाने कितने लबों पे गिरे हैं, जिंदगी से कई फासले हैं, बस जीते हैं सपने क्यों आँखों में लकीर जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई लौट के सदा, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई लौट के सदा, साजों ने कहा रुख मोड़ लिया कोई राह नजर में ना आए, धड़कन ने कहा दिल छोड़ दिया कहाँ छोड़े इन जिस्म निसाए, यही बार बार सोचता हूँ तन्हा मैं यहाँ, मेरे साथ साथ चल रहा है यादों का धुआं, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा। बस।